दोस्तों, यदि आप नर्सिंग कोर्स करना चाह रहे हो या कर रहे हो, तो प्लीज़ आप जिस भी कॉलेज से नर्सिंग कोर्स करना चाह रहे हो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें। ऐसा ना हो फ्रेंड्स के जिस कॉलेज से आप नर्सिंग कर रहे हो और आप कुछ टाइम उसमें स्पेंड कर चुके हो, कुछ सेमेस्टर पढ़ चुके हो, बाद में दोस्तों आपको पता चलता है कि इसकी ये तो जो है फर्जी कॉलेज है, इसकी मान्यता जो है निरस्त कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ है। एमपी हाई कोर्ट के आदेश पर ग्वालियर चंबल के जो है 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता जो है निरस्त कर दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश पर ये जो किया है दोस्तों, मध्य नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ने ये कार्रवाई की है। एमपी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ये कार्रवाई है, इन्होंने ये किया है। और दोस्तों ऐसा किए जाने के जो कारण है ये है, एक तो दोस्तों कई कॉलेजों के पास अस्पताल नहीं था, दूसरा जिन कॉलेजों के पास अस्पताल थे उनमें पलंगों की संख्या जो है निर्धारित मानक से कम थी, तीसरा कई संस्थानों के पास अस्पताल था लेकिन उपकरण, स्टाफ और डॉक्टर नहीं थे, चौथा कारण दोस्तों अधिकांश अस्पतालों में मरीज भर्ती नहीं मिले, और दोस्तों लास्ट जो रीज़न है, कई कॉलेजों में एक ही टीचर के नाम सूची में शामिल किए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये इस कारण से जो है ग्वालियर चंबल के 70 नर्सिंग कॉलेजों की जो है मान्यता एमपी हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार एमपी नर्सिंग काउंसिल ने जो है निरस्त कर दी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। धन्यवाद।